आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई कोरेगांव की आरए पुलिस ने एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है जो एक बिजनेस वुमेन से दोस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध का वीडियो बनाई। जब महिला अपने पति के साथ रहने चली गई तो उसकी अतरंग वाली वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर महिला से 4 लाख रुपए ऐंठ लिया। इसके बाद भी जब महिला ने उसके साथ संबंध बनाने से मना किया तो उसने महिला की अतरंग वीडियो उसके पति को भेज दिया। महिला ने इसकी शिकायत आरए पुलिस को की। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के कमला विहार से गिरफ्तार कर लिया है। उसे सोमवार तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि आरए कॉलोनी के रॉयल पाम इलाके में रहने वाली विवाहिता बिजनेस वोमेन ने आरए पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 2016 जब बिहार के पटना में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सेमिनार में गई थी तभी उसकी मुलाकात आरोपी कृष्णकांत अखोरी 25 वर्षीय से हुई थी। दोनों की दोस्ती नजदीकियों में बदल गई थी। दोनों कई बार एक दूसरे से मिले और साथ रहे। आरोपी ने महिला से शारीरिक संबंध की अतिरिक्त वीडियो बना लिया था। उस वक्त महिला के पति से उसका अनबन चल रही थी इसलिए वो पति से दूर रह रही थी। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने महिला से दोस्ती बढ़ाई, संबंध बनाने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद महिला और उसके पति मुंबई में साथ में रहने लगे। तब आरोपी कृष्णकांत ने महिला को कई बार मिलने और संबंध बनाने के लिए दिल्ली बुलाया लेकिन महिला मना कर दिया। आरोपी ने पहले की बनाई हुई अतरंग वीडियो को उसके पति को भेजने के नाम पर उससे अलग अलग समय में करीब 4 लाख रुपए ऐंठ लिए। उसके बाद भी जब महिला से वह पैसे की मांग करने लगा महिला ने उसे मना कर दिया तो आरोपी ने महिला की वीडियो उसके पति को भेज दिया। महिला के पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 385, धारा 354 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरए पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन अधिकारी PSI खोलम, पुलिस नायक बड़े, भाबड़, ढोक, शिंगाने, कांटे, थोरात, जानराव, गोट से टीम बनाकर आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी मिली कि आरोपी दिल्ली कमला विहार में है। पुलिस की टीम मौके पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय ने उसे 6 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 10 नवंबर को आरए पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट आके उन्होंने कंप्लेन दी कि उनकी पत्नी पटना में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्यूशंस ले रही थी। उस वक्त उनके एक स्टूडेंट अखोरी नाम का एक उनका स्टूडेंट था उसने उनके फोटोग्राफ्स लिए थे और उनको पता नहीं था ये सब। और उनके पति को उन्होंने 9 नवंबर को ये फ़ोटो भेज दिए और उनके पति को बोला कि अगर ये फ़ोटो वायरल नहीं होनी चाहिए इसके लिए आप मुझे 8 लाख रुपए दे दो। तो इमीडिएटली उसके पति ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। हम लोगों ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी का जिस नंबर से ये कॉन्वर्सेशन हुआ था उस नंबर का लोकेशन लिया तो वो दिल्ली में आ रहा था। तो हम लोगों ने हमारे जो अपर पुलिस आयुक्त है, हमारे पुलिस आयुक्त सर है, उनको ये सब बता के उनका मार्गदर्शन लिया और इमीडिएटली हमारा डिटेक्शन का जो टीम है, पुलिस उपनिरीक्षक खोलम और उनका जो टीम है वो दिल्ली रवाना हो गए। वहाँ जाने के बाद लोकेशन पे वो आरोपी मिल गया है। हम लोगों ने उसको मुंबई में लाया है। वही सेक्स एक्सटॉर्शन का जो केस है उसने 8 लाख रुपए की मांग की थी और अभी उसको अरेस्ट किया हुआ है और पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोगों को 7 दिसंबर तक मिली है। अभी आगे जाके हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं।